प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। टहकन जैमिनी अश्वमेध की कथाएं के पिछले एपिसोड में भीम, कर्णपुत्र ऋषिकेतु और मेघवर्ण भद्रावतीपुरी नगरी में पहुंच गए हैं, जहां यौवनाश्व का राज्य है और जहां अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयुक्त अश्व उपलब्ध है। हमारे ये योद्धा प्रतीक्षारत हैं कि कब वह अश्व जल आदि ग्रहण करने के लिए सरोवर पर आए और उसे वे पकड़े। तभी क्या देखते हैं कि उत्तम गति वाले कितने ही अश्व जो हैं वो आते हैं, जो दर्शक लोग हैं उनको विमोहित करते हैं, जालादि ग्रहण करते हैं, वापस चले जाते हैं। परंतु वह जो एक विशिष्ट अश्व है, अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा हुआ, वह अभी कहीं दिखाई नहीं देता। हमारे योद्धा परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस अश्व को केवल महल तक ही सीमित रखा जाता होगा। अभी वे परेशानी की इस हालत में ही हैं कि उन्हें एक उत्तम कोटि का अश्व जो है वो दिखाई देता है। वह रथियों, मदमत गजराजों, घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ था। उस अद्वितीय अश्व पर चंवर डुलाए जा रहे थे, मस्तक पर कलगी तथा गले में घुंघरू बंधे थे, उसके ऊपर सफेद छत्र तना हुआ था, सुगंधित चंदन तथा कुमकुम आदि से उसकी पूजा की गई थी, उसके शरीर पर तरुण स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे, यही नहीं उसके गले में हार पड़ा हुआ है तथा विचित्र अंगों वाला वह अश्व पुष्प मालाओं से सजा हुआ था। मांगलिक जय जयकार के साथ उसे दो सईस पकड़े हुए थे। वो इतनी जल्दी जल्दी पांव ऊपर उठा रहा था मानो अपने खुरों के अग्रभाग से वह पृथ्वी का स्पर्श ही ना करना चाहता हो। जैसे ही भीमादि योद्धाओं ने उस अश्व को देखा है, उन्हें जिज्ञासा है कि किस तरह से जल्दी उसे पकड़ा जाए। मेघवर्ण आज्ञा लेकर अपनी मायावी माया से आकाश मार्ग से उस अश्व तक पहुंचता है, उसका हरण करता है और यौवनाश्व के जितने भी सैनिक आदि हैं परेशान होते हैं। तब परस्पर इन योद्धाओं में भयंकर युद्ध होता है, एक दूसरे के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, चोटें लग रही हैं, एक दूसरे को मूर्छित भी किया जा रहा है, परंतु अंततः ऋषिकेतु का एक बाण यौवनाश्व को लगता है, वह मूर्छित होता है। ऋषिकेतु पंखा झल रहा है ये सोचते हुए कि यदि वे जीवित नहीं होंगे उसका जो शौर्य है उसे लोग कैसे पहचान पाएंगे। यौवनाश्व की मूर्छा छूटती है, वह ऋषिकेतु को देखते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, सम्मान देते हैं और अपनी नगरी में उन सभी योद्धाओं को ले जाया जाता है, ससम्मान आमंत्रित करते हैं उन्हें और ये भी संकल्प लेते हैं कि वे अब धन धान्य आदि से या योद्धाओं रूपी जो सेना है उसके द्वारा भी युधिष्ठिर के इस यज्ञ को संपन्न करने में सहायता करेंगे।
उचित सम्मान पा करके भद्रावतीपुरी में सभी योद्धा युधिष्ठिर की नगरी हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर व्यास जी का सानिध्य पा करके उन्हें पता चलता है कि मुख्य जो यज्ञ है करने वाला उसमें अभी समय है, क्योंकि अश्व चैत्र पूर्णिमा को ही छोड़ा जाएगा। तब तक यज्ञ से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं उनको पूरा किया जाए। कृष्ण जी वापस द्वारिका चले गए हैं इस संकल्प के साथ कि उचित समय पर वे लौट आएंगे। व्यास जी इस समय के बीच में, ये जो अंतराल है, इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म विषयक जो प्रसंग हैं वो सुनाते हैं, ताकि युधिष्ठिर उन सब प्रसंगों के माध्यम से समझ ले कि उसका कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। व्यास जी के माध्यम से यह भी पता चलता है ब्राह्मण के क्या लक्षण होने चाहिए, क्षत्रिय के क्या लक्षण होने चाहिए, शूद्र के क्या लक्षण होने चाहिए, या वणिक जो है उनके भी क्या कर्तव्य हैं, उन सब का जो है वो उसके बारे में बताते हैं युधिष्ठिर को। यज्ञ मंडप आदि तैयार हो गए हैं, चैत्र पूर्णिमा आने वाली है, भीम को आमंत्रण दे करके भेजा जाता है श्री कृष्ण के पास द्वारिका, और द्वारिका में हास परिहास के प्रसंग भी भीम और श्री कृष्ण के बीच में होते हैं। श्री कृष्ण पटरानियों के साथ, अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए हैं, यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई हैं, चैत्र पूर्णिमा का समय आ गया है, और अब युधिष्ठिर को असी व्रत ग्रहण करना होगा। यही नहीं, इसी समय क्या होता है, जब अश्व को अभिमंत्रित किया जा रहा है, अनुशाल्व नामक राजा जो है वह अश्व का हरण कर लेता है। क्यों हरण कर लेता है? क्योंकि उसे अपने छोटे भाई शाल्व का, जिसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई थी, उसका बदला लेना है। अनुशाल्व के साथ भी हमारे योद्धाओं का जो युद्ध है वो होता है, अनुशाल्व पराजित होते हैं और स्वीकार करते हैं कि उसे श्री कृष्ण के चरणों में ही रह करके मुक्ति मिल सकती है, और अब वह युधिष्ठिर के इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो तैयार हो गया है, अश्व जो है अभिमंत्रित कर दिया गया है, उसके मस्तक पर ताम्रपत्र बांध दिया गया है जिसमें लिखा है युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया है, जिसके साथ अर्जुन नामक जो योद्धा है वो सेना नायक हैं इसके, और यदि कोई राजा युधिष्ठिर के प्रभुत्व को स्वीकार करता है तो भेंट आदि लेकर युधिष्ठिर से मिले, और यदि कोई उसे स्वीकार नहीं करता है, अश्व को पकड़ लेता है, तो अश्व के साथ आए हुए सेना या सेना नायक के साथ उसे युद्ध करना होगा। अब शुरू शुरू में जो इच्छाधारी हमारा जो अश्व है उत्तर की ओर जाता है, देवताओं की नगरी है, घूमता है, देवता प्रसन्न होते हैं, जिसके बाद वह आ गया है एक ऐसे स्थान में जहां स्त्री राज्य है, कन्यापुरी नामक स्थान है, और वहां पर देवांगना नामक राजकुमारी है। अश्व पकड़ लिया गया है, और वो जो कुमारियां हैं वहां
उनके बाण जो है उन्होंने इस तरह से काम बाण इस तरह से सेना को तहस नहस कर दिया है कि वे समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अर्जुन भी विमोहित हैं, परंतु ऋषिकेतु अपने ज्ञान खड़ग के माध्यम से देवांगना आदि स्त्रियों को पराजित करता है। वे आमंत्रित भी करती हैं कि उनके राजमहलों में आइए और भोग विलास के माध्यम से जीवन का आनंद लें, जिसे योद्धा लोग अस्वीकार कर देते हैं। और वे इतना अवश्य कहती हैं कि हम भी युधिष्ठिर के उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली जाएंगी। यहीं से निकलता हुआ अश्व जो है पूर्व की ओर महिष्मतीपुरी, जिसे टहक ने महिकापुरी नाम दिया है, वहां पहुंचा है। नीलध्वज नामक राजा हैं वहां, जिनके बेटे जो हैं प्रियव्रत हैं, जिनके जमाता अग्निदेव हैं। किस प्रकार इनके बीच में अब आगे कथा बढ़ेगी, क्या होगा अश्व का, किस प्रकार से युद्ध जो है निर्णायक युद्ध लड़ा जाएगा, उसका वर्णन हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।